हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को स्टडी किया था। आज हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो सब जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो मैट्रिक्स के एडिशन में हमने स्टडी किया था कि हम अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट मेंबर को लेते हैं, तो दूसरे मैट्रिक्स के ही फर्स्ट रो के फर्स्ट मेंबर के साथ ही उसे हम ऐड करेंगे। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट मेंबर को ऐड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही जब हम इसे करेंगे सेकेंड फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर को लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। वैसे ही यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया इन दोनों के एडिशन से। यहाँ पे हमें माइनस इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका साइन हमें नेगेटिव गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, तो ये हमें मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिल रहा है, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, तो हमें मालूम है हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलता है दोनों के बीच में, तो ये हमें मिल जाएगा, ए और सी का टर्म है, तो हमें मिल जाएगा ए माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ये मिल जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। ये दो मैट्रिक्स थे, दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें एक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया। उस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, तो हमें मिल गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर, देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये इसका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हमें यहाँ पे भी मैट्रिक्स के एडिशन का ही क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे भी हम वैसे ही ऐड करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट मेंबर को इस मैट्रिक्स के ही भी फर्स्ट मेंबर के साथ। अगर हम इसके सेकेंड मेंबर को लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेकेंड मेंबर के साथ उसको ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जब मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर हम इक्वेशंस भी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये उसी का एक एग्जांपल है जिसमें मैट्रिक्स के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलते हैं। अब जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तब हमने स्टडी किया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। वैसे ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। तो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल गया जिसके चारों मेंबर्स की वैल्यू हमें 1 1 1 1 मिल रही है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो भी हम उसे सॉल्व करते हैं और उसके वैल्यूज़ के हिसाब से उसका आंसर हमें मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के हम ये बता सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा ये दोनों एक स्केलर के रूप में यहाँ पे हैं जिसे हमें मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos थीटा मल्टीप्लिकेशन cos थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, देन cos थीटा एंड माइनस sin थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा cos थीटा, ये हमें मिल जाएगा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमें मिल जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा एंड माइनस cos थीटा, ये हमें मिल जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा के इक्वल, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, देन sin थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ये हमने जो यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर जो भी स्केलर गिवन था उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशन है, तो दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, सिंपली हमें मेंबर वाइज उसके कंटिन्यूटी में उसे ऐड करना है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर लेते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर ही लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखें तो माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा sin थीटा cos थीटा। सेकेंड कॉलम पे देखें तो सेकेंड कॉलम पे यहाँ पे हमें मिल रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर प्लस sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फिर से हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है और सेकेंड नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। यहाँ पे भी ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। देन अगेन यहाँ पे हमें मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ से 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिल गया 1 0 0 एंड 1। जब हमने मैट्रिक्स का टाइप स्टडी किया था तो हमने स्टडी किया था कि अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में यहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 3xyzw इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में हमें गिवन है x6-1 2w प्लस 4x+y z+w एंड 3। अगर ये वाला इक्वेशन हमें गिवन है तो हमें फाइंड करना है वैल्यू x, y, z एंड w की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए हमें
LHS एंड RHS में वैल्यू गिवन है, तो हम दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे ताकि हम मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकें। ठीक है, ये हमने जो पिछली क्लासेस में सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स। हमने इक्वेलिटी पढ़ा है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर पढ़ा है, उन सभी का सम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 एक स्केलर है, तो हम सबसे पहले यही करते हैं, हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे सम हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस एक्स, यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 1 प्लस जेड प्लस w, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2w प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए LHS पे हमें ये मैट्रिक्स मिला है और RHS पे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल गया, और दोनों के बीच में इक्वेलिटी का साइन है, तो अब हम डायरेक्टली इनको इक्वेट कर सकते हैं। और जब हम मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को इक्वल लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस एक्स के, इसका फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें पहला इक्वेशन ये मिल गया। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में एक ही अननोन है x, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x माइनस x, अगर हम इस x को इधर ट्रांसफर कर दे तो, और फिर उसके बाद 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, ये इक्वेशन टू अननोन्स का है x एंड y, बट x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से अगर हम y ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगी 4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद हम इसके थर्ड एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस w, यहाँ पे टू अननोन्स है जेड एंड w, और यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज नहीं पता, तो हम अभी इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ते हैं और फोर्थ एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यहाँ से हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 3, तो w की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस z को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3z माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस w की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, 3z माइनस z इज इक्वल टू 2z, एंड यहाँ से 2 वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से जब हम 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू हमें मिल गई 1, एंड w की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन था जिसको सॉल्व करके हमने इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0 एंड 1, देन शो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, बट ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन नहीं है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो x के इक्वेशंस हमें गिवन है, और यहाँ पे जब हम फंक्शन ऑफ y फाइंड करेंगे
तो उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी हमें y। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो पूरा इक्वेशन हमें y वेरिएबल के फॉर्म पे मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे x प्लस वाई का फॉर्म है, तो पूरा इक्वेशन हमें x प्लस वाई के फॉर्म पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखिए, जब हम फंक्शन ऑफ y निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ y हमें क्या मिल जाएगा, cos y, यहाँ पे वेरिएबल हमने y ले लिया, और यहाँ से हमें मिल जाएगा sin y 0 माइनस ऑफ sin y cos y 0 0 0 एंड 1। ये इक्वेशन हमें मिल गया फंक्शन ऑफ y का। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हमें मिलेगा cos, यहाँ पे वेरिएबल हमें टोटल x प्लस वाई मिल जाएगा। तो हमें मैट्रिक्स का ना ही ऑर्डर बदलना है और ना ही एलिमेंट्स को हमें चेंज करने हैं, बस केवल उनके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमें बदलते जाना है। यहाँ पे भी मैट्रिक्स हमें 3x3 ऑर्डर का गिवन था, यहाँ पे भी जो हम मैट्रिक्स फाइंड करें हमें उसी ऑर्डर का मिलना चाहिए, हमें उनके ऑर्डर को नहीं बदलना है और ना ही उनके रो एंड कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज करनी है, केवल हमें उसके वेरिएबल को ही चेंज करना है। और यहाँ से हमें फिर ये मिल जाएगा फर्स्ट साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 एंड 1। ये हमें मिल गया फंक्शन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू। तो ये हमें RHS की वैल्यू मिल गई। अब हमें LHS फाइंड करना है। तो देखिए, LHS पे हमें मिल रहा है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम उनकी वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा cos x sin x 0 माइनस ऑफ sin x cos x 0 0 0 एंड 1। जब हम y वेरिएबल का इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 एंड 1। ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसके फर्स्ट रो को लेंगे पहले, और इनके तीनों कॉलम्स के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ ही करते हैं। तो cos x का मल्टीप्लाई हम करेंगे cos y के साथ, तो हमें मिल जाएगा cos x इंटू cos y। उसके बाद माइनस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे हम sin y के साथ, तो हमें मिल जाएगा माइनस sin x sin y। देन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ, तो हमें यहाँ पे जीरो ही मिलेगा, हम उसे नहीं लिख रहे हैं। देन इसी फर्स्ट रो का अब इसके सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin y और इस cos x, देन माइनस ऑफ sin x cos y, देन अगेन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ है। अब हम इसके फर्स्ट रो का इसके थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। तो देखिए, cos x का मल्टीप्लाई होगा जीरो से, हमें मिलेगा जीरो, देन माइनस sin x का मल्टीप्लाई होगा जीरो से, जीरो ही मिलेगा, देन जीरो का मल्टीप्लाई होगा वन से, अगेन हमें मिलेगा जीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का ऑपरेशन ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो को देखते हैं। तो सेकेंड रो में है sin x, इसका मल्टीप्लाई cos y के साथ, तो हमें मिल जाएगा sin x cos y, देन cos x का मल्टीप्लाई sin y के साथ, तो हमें मिल जाएगा cos x sin y, और फिर जीरो का मल्टीप्लाई हमें करना है जीरो के साथ, तो वो जीरो ही मिलेगा। अब इसके सेकेंड रो का ही इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो sin x का मल्टीप्लाई माइनस sin y के साथ, हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin x sin y, देन cos x का मल्टीप्लाई cos y के साथ, तो cos x इंटू cos y मिल गया। और थर्ड में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म्स जीरो ही मिलेंगे। अब इसके सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin x का मल्टीप्लाई जीरो के साथ, जीरो मिलेगा,
कॉस एक्स का मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो ही मिलेगा, देन जीरो का मल्टीप्लाई वन के साथ ये भी हमें जीरो मिल गया, ठीक है। सेकेंड रो का भी ऑपरेशन यहाँ से खत्म होता है। अब हम इसके थर्ड रो पे आते हैं, तो फिर सबसे पहले हम इसके थर्ड रो का ऑपरेशन करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जीरो का मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ जीरो, वन का मल्टीप्लाई जीरो के साथ अगेन जीरो मिला। फिर इसी का हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो भी हमें सारे टर्म्स जीरो मिलेंगे। अब इसका हम थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो, देन जीरो इंटू जीरो इज जीरो, देन वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिक्स पे हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए हैं। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये इक्वेशन को देखिए और ये हमें किस फॉर्म पे मिल रहा है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में स्टडी किए हैं उनमें से ये किस फॉर्म में मिल रहा है वो बताइए। तो देखिए जब हमने साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ये सारे फॉर्मूले स्टडी किए थे एंगल ऑफ सम्स के, जो हम दो एंगल लेके उनका सम करते थे और उनके बेस जो फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे उन पे हमने स्टडी किया था कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और वैसे ही कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमें मिलता है। ऐसे ही हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मिलता है हमें, और अगर हम कॉस के लिए यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं कॉस एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे ये हमें टर्म पॉजिटिव मिलता है। तो वही फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें इस फॉर्म पे वैल्यूज गिवन है उसे हम इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमें कॉस के फॉर्म पे दिख रहा है और यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है मतलब हमें समझ आता है कि कॉस में अगर हम दो एंगल का सम निकालते हैं तभी हमें बीच में नेगेटिव साइन मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही अगर हम इसे देखें तो ये हमें मिल रहा है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हमें साइन का फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पे प्लस है मतलब ये एंगल एडिशन का फॉर्मूला है, तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी जीरो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये हमें साइन का टर्म मिल रहा है बट यहाँ पे नेगेटिव साइन दोनों प्लेसेस पे हैं, तो हम पहले नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमें पॉजिटिव मिल जाएंगे और हमें मिल जाएगा साइन वाई कॉस एक्स माइनस कॉस सॉरी प्लस कॉस वाई साइन एक्स, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम इस टर्म को सामने लेते हैं तो ये हमें कॉस का फॉर्मूला मिलेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी हमें एंगल के एडिशन का फॉर्मूला मिल जाएगा कॉस के टर्म में, और यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी ज़ीरो और यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी ज़ीरो ज़ीरो एंड यहाँ पे वन, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, यहाँ पे हमें ये अभी एक इक्वेशन के फॉर्म पे मिल रहा है साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये भी हमें साइन के एडिशन का ही फॉर्मूला दिख रहा है जिसका फर्स्ट एंगल वाई है सेकेंड एंगल एक्स है, तो जब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा साइन वाई प्लस एक्स। तो अगर हम वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे x प्लस वाई लिख लेते हैं, y प्लस एक्स भी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये वैल्यू जो हमें मिली है वो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y की वैल्यू मिल रही है। अब इसका कंपेयर हम करते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस वाई जो हमने फाइंड किया है।
तो देखिए फर्स्ट टर्म है cos x plus y, यहाँ से भी हमें cos x plus y मिला है। सेकेंड टर्म है इसका sin x plus y, यहाँ से भी sin x plus y मिला है, देन जीरो। उसके बाद माइनस ऑफ sin x plus y, यहाँ पे भी हमें माइनस ऑफ sin x plus y मिला है, देन cos x plus y, यहाँ से cos x plus y है, देन जीरो, देन जीरो जीरो और y। तो जब हम इसका कंपेयर करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें फंक्शन ऑफ x प्लस y के इक्वल वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। सारे मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हमने अभी तक स्टडी किए उन सभी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ओके।